चिराग पासवान शेर का बेटा है। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रशेखर, आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, चिराग पासवान की लोकप्रियता की बात करें तो बिहार में दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। चिराग पासवान जहां जाते हैं धरातल से लेकर सोशल मीडिया पे लोगों का ताता लग जाता है। सोशल मीडिया पे भी देखते होंगे कि चिराग पासवान का किस प्रकार से बिहार में लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। वही दूसरी ओर बात करें जब धरातल पे, तो चिराग पासवान कहीं भी किसी नेता से पीछे नहीं चल रहे हैं। आज चिराग पासवान नवादा में जनसभा करते हैं। जनसभा में देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में चिराग पासवान को एक झलक देखने के लिए लोगों की ताता लग जाती है। और चिराग पासवान जैसे ही ग्राउंड में पहुंचते हैं, चिराग पासवान जिंदाबाद के नारों से पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जनसभा में चिराग पासवान। सोचते हैं तीन चीजों से चिराग पासवान टूट जाएगा, वो भूल जाते हैं कि चिराग पासवान शेर का बेटा है। और बस बिहारी बस का धरातल पर उतरना, ये एक ऐसी सोच है जो बिहार को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएगी। बिहार बस, बिहारी बस न सिर्फ बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, न सिर्फ हर प्रखंड में नहीं हर पंचायत में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करता है, न सिर्फ बेहतर प्राथमिक शिक्षा की बात करता है, बल्कि शिक्षा से जुड़ी हुई कितनी समस्याएं। आज हम लोग का डिग्री का कोर्स कितने सालों में पूरा होता है? कितने साल में? तीन साल का कोर्स पांच वर्ष छह छह साल में पूरा होता है। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। तो आपने सुना चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि चिराग पासवान को जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश की गई, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, उनको झुकाने की कोशिश की गई कि चिराग झुक जाएगा, लेकिन हम उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि चिराग पासवान शेर का बच्चा है और शेर का बच्चा झुकता नहीं है। और साथ ही बिहार सरकार को लेकर तंज कसते हुए नजर आए कि जिस प्रकार से बिहार में किसी भी कोर्स अगर जो तीन साल का रहता है तो उसे पूरा करने में छः साल लग जाते हैं, सात साल लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस प्रकार से बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की नारा लेकर हम चले हैं, इसी नारों के साथ बिहार को विकसित राज्य बनाने की कल्पना कर सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।